नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भांते। जमीन पर बैठे आईएएस श्री सजल चक्रवर्ती जी पूर्व मुख्य सचिव झारखंड रहे हैं। चारा घोटाले में दोषी घोषित हुए सजल चक्रवर्ती ने न जाने कितने आईएएस आईपीएस पर पैर छूते होंगे, लेकिन इनकी बेबसी देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। आजकल आपका वजन 150 किलोग्राम के आसपास है, आप कई बीमारियों से ग्रसित हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं। रांची कोर्ट पहली मंजिल में पेशी थी, एक सीढ़ी घसीट कर उतरे, फिर दूसरी सीढ़ी पहुंचने के लिए खुद को घसीट रहे थे। बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। माता पिता नहीं रहे, सेना में बड़े अफसर थे, अब नहीं रहे। जिसको गोद लिए उसकी शादी हो गई, उससे भी मतलब नहीं है। अपने घर में कुछ बंदर और कुत्ते पाल रखे हैं, ये शानो शौकत पैसा सब बेकार सिद्ध हुए। अब बस मौत ही अब शायद इनका कष्ट दूर कर सकती है। ज़रा सोचिए, कल तक बड़े बड़े अधिकारी जिनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आतुर रहते थे, वही आज दुनिया के सामने ज़मीन पर असहाय पड़े थे। उन्होंने दो शादी की, मगर दोनों बीवियों ने तलाक दे दिया। कोर्ट में सबका कोई कोई ना कोई आया था, लेकिन ये अकेले थे। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि ये पद पर रहे होंगे, इन्होंने अधिकारी वर्ग को छोड़कर किसी की मदद नहीं की होगी, और अगर की होती तो आज कोई ना कोई उनके लिए खड़ा रहता। इसलिए जब हम सामर्थ्यवान हों तो हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि लोग बाद में भी आपको याद करें, आपके साथ हों। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात तब होती है जब आप अपने लोग कमाएं। यूपी में NRHM घोटाले में फंसे IAS प्रदीप शुक्ला जी का यही हाल है। कभी आदर्श हुआ करते थे क्योंकि IAS टॉपर थे, इसलिए जीवन को जीवंत हो लोगों की मदद करते हुए अपने लोग बनाते हुए जीना ही सही मायने में एक सफल जीवन जीना है। पैसा शोहरत आखिर किसके लिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।